हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले अपकमिंग KTM Duke 490 के बारे में। KTM Duke 490 का इंडियन मार्केट में काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा है। जी हाँ, जिसमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद KTM की Duke 390 चलाता हूँ और मुझे लगता है दोस्तों कि 390 अब अपग्रेड करूँ तो शायद 490 हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी दिनों से इस बाइक का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी तक ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं आई है। बट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब Duke 490 आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाइक में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कितना प्राइस बढ़ने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं Duke 490 के बारे में। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो यार शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि भाई KTM Duke 490 कब तक इंडियन मार्केट में आ सकती है, क्या चांसेस है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि Duke 490 ट्विन सिलेंडर में एक बहुत बेहतरीन बाइक होगी। और भाई KTM के पास फिलहाल अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। 790 थी, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इस वजह से इस बाइक का काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है। बात करें लॉन्च डेट के बारे में दोस्तों, तो कहना है कि कंपनी का इस बाइक को इंडियन मार्केट में आने वाले इस साल के एंड में, जी हाँ, इस साल के एंड में जो है इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि बाइक बहुत जल्द आपको इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं बाइक के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। देखिए, डिज़ाइन एंड लुक ऐसा है क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इस बाइक का डिज़ाइन वैसा ही मिलेगा जैसे कि आप लोगों को KTM की Duke 390 देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको कुछ टाइप का डिज़ाइन आपको बाइक में मिलने वाला है। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, डिज़ाइन थोड़ा सा शार्प होगा, थोड़ा और बेहतर होगा, बट काफ़ी सिमिलर होगा, 90% वैसा होने वाला है। फ्रंट में आपको बाइक में सेम LED जो लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगी, जो जैसे कि KTM की जो Duke 390 है उसमें भी आता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कोई बुरा नहीं है ना, उस लाइट का क्या भाई दीवाने हैं लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यूनिक भी लगती है। तो वैसी ही सेम लाइट आपको Duke 490 में भी देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में 43mm के वही WP के USD फॉक सस्पेंशन मिलेंगे, बट वो एपेक्स वाले रहेंगे। एपेक्स वाले के साथ साथ मैं आपको बता दूं वो एडजस्टेबल सस्पेंशन रहेंगे। जी हाँ, फ्रंट में आपको बाइक में 110% इस बाइक में जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सस्पेंशन भी आपको बाइक में बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छे सस्पेंशन इस बाइक में मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में बाइक में आपको एज ऑलवेज डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। प्लेट साइज बहुत बड़ी है ऑलरेडी, Duke 390 की भी 320mm की प्लेट साइज इसमें भी मिलेगी। डुअल डिस्क को लेकर चांसेस कम है, कंपनी शायद ही इसमें डुअल डिस्क देगी। डुअल डिस्क इन द सेंस फ्रंट में टू जो प्लेट यूज़ की जाती है सुपर बाइकों में, उसका चांसेस थोड़ा सा कम है। बट हाँ, ये है कि 4 पिस्टन कैलिपर्स एंड ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड्स है वो आपको बाइक में ज़रूर मिलने वाले हैं। टायर साइज़ में इसमें थोड़े और ज़्यादा टायर, मतलब बड़े हो सकते हैं, जैसे कि इसमें मुझे लगता है कि लगभग 120 वाले टायर मिलेंगे। ठीक है, 120-60 के जो टायर साइज़ है वो बाइक में आ सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के सबसे बड़े प्लस पॉइंट और मेन चीज़ के बारे में, वह इस बाइक का इंजन। और एक्चुअल में दोस्तों इस बाइक का इंजन ही इस बाइक की जान होगी, वरना 390 तो ऑलरेडी हमारे यहाँ है यही ना। हाँ, देखिए इसकी जो इंजन है वो सबसे बड़ी खास बात क्या होगी कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ में आएगी। जी हाँ, ट्विन सिलेंडर इंजन यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन। आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में आपको 483.3 सीसी का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन DOSC इंजन जो आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, DOSC इंजन प्लस पैरेलल फील इंजन यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन कंपनी इसमें देने वाली। तो ये बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से होने वाला है। पावर में ये बाइक अराउंड, आपको बता रहा हूँ, 60 के आसपास की PS पावर जनरेट करेगी, यानी 55 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। मतलब बाइक की पावर एंड टॉर्क काफ़ी हाई होने वाली है, जिससे आपको बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के कूलिंग सिस्टम में, तो बाइक में लिक्विड कूल इंजन आएगा, फ्यूल सिस्टम आएगा यानी कि फ्यूल सिस्टम में फ्यूल इंजेक्टर आएगा, 6 गियर देखने को मिलेंगे, साथ में आपको बाइक में स्लीपर क्लच एंड बाइक में आपको किक शिफ्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बाइक का इंजन है। माइलेज इन टॉप स्पीड, माइलेज में ये बाइक आपको अराउंड 25 के आसपास का ही माइलेज निकालेगी। टॉप स्पीड लगभग इसको 200 के आसपास मान लीजिए, 0-100 में
जीरो टू हंड्रेड में लगभग 5 सेकंड के आसपास के लगेंगे। रियर की तरफ आते हैं, टेल लाइट में बाइक में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में आपको बाइक में 150/60/150/60 का टायर साइज देखने को मिलेगा। रियर में बाइक में 230 mm की डिस्क प्लेट होने वाली है। प्लस रियर में आपको बाइक में WP के जो मोनोसॉक सस्पेंशन है वो भी आपको बाइक में मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के भैया स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में इस बाइक में दोस्तों फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा। जी हाँ, फुली डिजिटल मीटर बाइक में मिलने वाला है। सॉरी, स्पीडोमीटर में बाइक में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, TFT डिस्प्ले मिलेगा जो कि ड्यूक 390 में भी आता है। सेम सारे फीचर रहेंगे उसमें, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, गियर डिस्प्ले, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, इंजन चेक इंडिकेटर, RPM लिमिटर इंडिकेटर, सारे फीचर आपको बाइक में मिलने वाले। मोबाइल कनेक्टिविटी भी रहेगी। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो ये 350,000 350,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस जा सकती है। बाकी कौन कौन दोस्तों KTM की ड्यूक 490 का वेट कर रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।